She is the only woman to have scaled Mount Everest from both China and Nepal. But conquering the summit was not easy. Anita Kundu grew up in a village in Haryana in extreme poverty. When her father died, her mother had to sell milk to make ends meet. At the age of 13, her family wanted to marry her off. Villagers taunted her, mocked her, but she followed her heart. First, she joined the police force, and then she became a mountaineer. Today, there is no mountain too high for her. Joining us on Conversations for Change, this year's winner of the Tenzing Norgay Adventure Award, Anita Kundu. Anita, बहुत बहुत congratulations, बहुत मुबारक आपको. आप अपने बारे में कुछ बताइए. हम जानते हैं कि आप एक माउंटेनियर है, आपको ये बड़ा अवार्ड मिला है, और लेकिन आपको बहुत परेशानी, बहुत ऑब्स्टिकल्स भी झेलने पड़े. अपने बारे में पहले कुछ बताइए कि आपकी आपकी आपका बचपन कैसे रहा और आपको इस मोमेंट तक, इस मकान तक पहुंचने पर क्या क्या करना पड़ा. सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपने इतना मान सम्मान दिया और मुझे बधाई दी. और मेरी जो जर्नी रही है वो बहुत ही मुश्किल रही है, बहुत ही विपरीत परिस्थितियां रही हैं. मैं बिल्कुल एक नॉर्मल गांव से आती हूँ जहाँ पर सुख सुविधाओं का बहुत अभाव है और शिक्षा का भी. शिक्षा का ये मानिए कि आज से 20 साल पहले की बात करूँ तो जीरो मात्र ही मानिए. वहां पर कोई इतना लोग नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़े और लड़कियां आगे बढ़े. दूसरा बहुत सारा वहां पर कोई इतने स्कूल नहीं थे, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी, मेरे गांव के पास कोई इतना बड़ा शहर नहीं लग रहा था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी. दूसरा क्या था कि वहां पर मेरा जो घर था और मैं हम मेरे पिता किसान थे, हम खेतों में रहते थे, खेतों में मेरा मकान था, तो वहां पर कोई लाइट नहीं थी, कोई सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, तो बहुत सारी डिफिकल्ट परेशानियां रही. लेकिन मेरे फादर एक अच्छी सोच के इंसान थे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि बेटा आपने बहुत कुछ करना है और बहुत आगे जाना है, आपने लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना है. मैं चाहता हूँ कि आप एक स्पोर्ट्समैन बने, आप एक खिलाड़ी बने, और आप जब खेलेंगे तो आपका नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाएगा. उन्होंने इस तरीके की बात मुझे सिखानी शुरू की और साथ में ही मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि ये काम लड़कों का है या ये लड़कियों का है, ये आप नहीं कर सकती है. तो ये सब कुछ करते हुए उनका सपना था कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कराऊंगा मेरी बेटियों को और उनको मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा और गेम में भी मैं बहुत आगे लेके जाऊंगा. तो हम हमारी ज्वाइंट फैमिली थी और हम तीन बहनें एक भाई. तो मम्मा है वो भी अनपढ़ है और मेरे पिता थे वो भी अनपढ़ थे. तो इस तरीके से वो हमें आगे लेके चल रहे थे और मेरी प्रैक्टिस 11 साल की थी तब शुरू करवा दी थी. लेकिन जैसे ही मैं 12 साल की हुई, प्रैक्टिस करते हुए मैं बॉक्सिंग में जाना चाह रही थी, तो 13 साल में लगते ही अचानक उनकी डेथ हो जाती है. और जो मेरे सपनों के उड़ान, जो मेरे पंख लगने लगे थे, वो अचानक से वो परिस्थितियां, मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगी थी. मेरे पिता मुझे सिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे, पारिवारिक स्थिति अच्छी चल रही थी. वो एक छोटे से किसान थे, पशुपालन करते थे और भी छोटे मोटे काम करते थे और वहां हमें लेकर के बहुत आगे का उनका सपना था. लेकिन अचानक से परिस्थितियां बदलती है. तो जैसे ही मेरे फादर की डेथ होती है और 13 दिन के बाद, जो हमारे हरियाणा में या मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में भी 13 दिन तक 13वीं होती है, उसके बाद ही जैसे ही मेरे पास के जो रिश्तेदार वगैरह है, मामे फूफा चाचे ताऊ, वो बैठते हैं, तो जैसे ही मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी. और कहां एक लड़की सपने देखने वाली, कहां एक लड़की जिसके सपने बो दिए थे, पिता सपने दिखा चुके थे कि बेटा आपने ये करना है. आसपास में जो माहौल होता था वो मेरे पिता दिखाते थे कि बेटा ये शराब, ये देखो इसके फादर शराब पिए हैं, इसके फादर इसको ऐसा कर रहे हैं, इन लड़कियों के लिए आपने आवाज बनना है. तो वो सारी चीजें एकदम मेरे सामने चेंज हो चुकी थी और मैं एक ऐसी परिस्थिति में डूब चुकी थी कि मैं करूं क्या. एक 13 साल उम्र क्या थी, उम्र क्या थी तब जब आपकी फादर, मेरी उम्र 13 साल थी. और तो आप पे दबाव आया कि आप शादी करिए. जी, मेरे सामने दबाव आया कि आपकी शादी कर दी जाए. शादी भी कम से कम मेरे से 3 गुना बड़ा लड़का, उसके साथ मेरी शादी करने की तैयारियां हो गई थी. और मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम, समस्या ये आ गई थी कि मैं अब कैसे, क्योंकि मेरा जो समाज है, मेरा जो समाज है
उस समाज के अंदर बहुत सारी, आप समझ सकते हैं, मैं जाट समाज से, मैं किसी जाति व धर्म को नहीं मानती, लेकिन हरियाणा में जाट समाज में लड़कियों के लिए फाइट करना बहुत मुश्किल होता है। खैर अभी तो बहुत सारे खिलाड़ियां हो गई हैं, बहुत सारे नाम हो गए हैं, अब तो लोग समझने लग गए हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले कोई इतना बड़ा नाम नहीं था कि हम किसी का एग्जाम्पल दे पाए और हम उनको बता पाए कि हम ऐसा करना चाहती हैं। तो फिर आपने वो प्रेशर जो था वो कैसे फाइट किया? मैं बहुत डिप्रेशन में आ चुकी थी। मैंने अपनी मम्मा को से बात की, मम्मा कुछ बोलने को तैयार, क्योंकि मम्मा खुद डिप्रेशन में थी, उनके साथ उनके जीवन साथी उनके साथ नहीं रहे, और वो कैसे बच्चों, वो अनपढ़ थी, कैसे वो बच्चों को पढ़ाएगी, कैसे वो आगे बढ़ाएगी, तो वो खुद इतने टेंशन में थी। और दूसरा कि ये बोलती, बेटा अगर हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि गलत है, लड़कियां जवान है, बाहर जाएंगी, वो हो जाएंगी, गाँव के बहुत ऐसे ऐसे कॉमेंट होते हैं, अगर मैडम हम उसको सोचें तो सोच के आदमी इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते। उन चीजों को फाइट करते हुए, उन चीजों को, उन लोगों की मैंने बातों को सुना, जब वो लोग प्यार से नहीं माने तो उनके साथ मैंने फाइट भी किया, और बहुत सारी चुनौतियां मेरे को समाज में निकलते हुए आई, जो लोगों ने कमेंट्स किए, जब तक कामयाब नहीं हुई, लोगों ने ताने भी मारे, लोग जब भी निकलती थी तो लोगों के कुछ कुछ ताने होते थे, तो बहुत सारे उन तानों के बीच में अपने आप को मेंटेन रखना, और मैंने खेत, अपना खेत संभाला, सबसे बड़ी थी मैं, मैंने खेत संभाला, मैंने हल भी चलाया, ट्रैक्टर भी चलाया, मैंने रातों को भी काम किया, पशुपालन भी किया, कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकती। बात ये था कि मैंने मेरे बहन भाइयों को पढ़ाना, सबसे बड़ी मैं थी, और पूरा परिवार चलाना है, मेरी माँ अनपढ़ थी, कोई बताने वाला नहीं था परिवार में, सब अनपढ़ थे, तो ये सारी चीजें मेरे सामने थी, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थी, एक टाइम का खाना मिलना भी कई बार मतलब ऐसा हो जाता था कि पता नहीं खाना मिलेगा या ना मिलेगा। घर में और कितने लोग थे, और मैंने ये भी पढ़ा कि आपकी माँ को परिवार संभालने के लिए फिर दूध बेचना पड़ा, दूध बेचने का काम करना। जी मैम, हमने पशुपालन किया और उसके लिए दूध का काम किया, ताकि हम अपने बहन, मैंने मम्मा को बोला कि अभी तो हम सर्विस के लायक भी नहीं हुए हैं कि हम सर्विस कर ले कोई ऐसी जगह जाके, तो हमने ना साथ में खेती के साथ पशुपालन भी करना चाहिए, ताकि हम दूध को बेच करके हम बाकी बहन भाइयों को मैं पढ़ा पाऊं। और मेरी माँ, फिर मैंने 4-5 साल मैंने गाँव में खूब मेहनत की, जब गांव के लोग खूब ताने देते थे, मैं बाहर जाती थी, निकलती थी, तो मैंने प्लान किया, क्योंकि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है हिसार, वहां पे हम सेट हो जाएं और दूध का जो काम है हम हिसार में करें, कहीं रेंट पे लेके, क्योंकि यहाँ पर 20 रुपए किलो जाता तो वहां 40 जाएगा, तो जिसमें से हमारी कुछ इनकम निकलेगी, मैं बाकी बहन भाइयों को पढ़ा पाऊंगी। परिवार में और कितने बच्चे थे? मैम हम वैसे हमारी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो हमारी ज्वाइंट फैमिली थी, उसके बाद जो मेरे चाचे ताऊ थे वो अलग हो गए, और हम मेरी फैमिली में हम 3 बहनें, 1 भाई और मेरी माँ थी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, आगे बताइए। तो फिर मैंने अपनी माँ को मैं शहर में लेके गई, और जब गांव से निकले तो लोगों के ताने थे कि क्या करेगी, तो लोगों का मतलब था कि जवान लड़कियां हैं, कुछ जवान है तो कुछ भी कर ले, आप समझ सकते हैं इस पॉइंट से मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो कुछ भी कर लेगी, आप समझ सकते हैं कि कितना दुख होगा, कितनी पीड़ा होगी, कि एक चरित्र के ऊपर वो लोग जानते भी नहीं है। सबसे पहले पॉइंट उन्होंने वो उठाया, क्योंकि वो इसलिए उठाया कि मैं लड़की थी, अगर मैं लड़का होती तो शायद वो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं लड़की थी, मैं कुछ करना चाहती थी और मैं अपने परिवार को सेटल करना चाहती थी, तो इसलिए, और वो लोग चाहते थे कि मेरी शादी कर दें, और मेरी शादी करके और मुझे अपना वजन खत्म कर दे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, यानी कि वो झूठे मतलब दिखावा, वो रिश्ता कि हमने ये कर दिया, तो ये चीजें वो दिखाना चाहते थे, लेकिन उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए, उन विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए मैं आगे बढ़ी, और मैंने अपने परिवार को सेटल किया, मैं हरियाणा पुलिस में भी ज्वाइन हुई, और हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग के बाद फिर मैंने अपने जो सपने को, जो मेरा गेम छूट गया था, उस सपने को मैंने माउंट ट्रेनिंग में सजोया, और 2009 से मैंने माउंट ट्रेनिंग की शुरुआत की। माउंटेनियरिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि आपने जो कहानी बताई, आप स्पोर्ट्सवुमन तो बनना चाहती थी शुरू से ही, और आपके फादर ने आपको वो ड्रीम दिखाई, सपना दिखाया, पर आप बॉक्सिंग में आना चाहती थी, पर वो छूट गया, तो माउंटेनियरिंग में कैसा आपका इंटरेस्ट आया? मैं सर्विस की जद्दोजहद में थी, ताकि मैं सर्विस लग जाऊं, मेरा परिवार संभल जाएगा, तो हाइट अच्छी थी हरियाणा पुलिस में, तो मेरा सिलेक्शन हुआ, और फिर मैंने अपने परिवार को संभाला, और हरियाणा पुलिस में लगते ही मैंने सपना बनाया, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में ट्रैकिंग पे गई थी। अच्छा, 5-7 दिन के टूर पे, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स थे साथ में, वो वहां पर हमने माउंटेन में देखा, तो कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे, तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये रॉक क्लाइंबिंग है, मैंने कहा अच्छा इसको तो हम भी कर सकते हैं, नीचे बहुत ज्यादा गहरी खाई थी और वो एक माउंटेन को रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे,
मैंने कहा अरे इसको तो हम भी कर सकते हैं, कह रहा है ये लड़कियां नहीं कर सकती, ये लड़कियों का काम नहीं होता, इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दिल चाहिए, ये वो काफी बहस हुई हमारी। तो मैंने उस दिन ठान लिया था कि इस गेम को मैं करूंगी, इसको मैंने करना है, और मैं वो काम करना पसंद करती हूँ। जब मैं पुलिस में आई तब 2008 में, तब पुलिस में इतना नहीं था लड़कियों का कि इतनी लड़कियां आती थी, अब ज्यादा हुआ है कि लड़कियों को हर व्यक्ति चाहता है कि पुलिस में आए। तब मैं पुलिस में आई, तब भी लोगों का ये था कि पुलिस में जाएंगी लड़कियां, पुलिस में तो लड़कियां गलत होती है, ये होता। मैं उस जगह पे जाना चाहती हूँ जहाँ लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, क्या लड़कियां काम नहीं कर सकती, हर क्षेत्र में लड़कियां काम कर सकती है। तो इसी तरीके से मैंने माउंट ट्रेनिंग को चुना मैम, और मैंने माउंट ट्रेनिंग के अपने डीजी साहब को लेटर लिखा कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, और मेरे फोर्स ने मुझे आईटीबीपी फोर्स के साथ टाई अप किया। मैंने आईटीबीपी के साथ बेसिक एडवांस और बहुत सारे एक्सपीडिशन किए, और काफी उनके साथ क्लाइंबिंग की। फिर मैंने 2013 में माउंट एवरेस्ट को नेपाल साइड से क्लाइंब किया। उस एक्सपीरियंस का कुछ बताइए, नेपाल और चाइना दोनों ही तरफ से आपने एवरेस्ट को कॉन्कर किया, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अभी एक बार तो बीच में भूकंप भी आ गया मैम। चाइना और नेपाल दोनों में डिफरेंट है माउंटेन क्लाइंब करने में। जब नेपाल साइड से क्लाइंब करते हैं तो खम्बू आइस फॉल है, बहुत ही टेक्निकल है। जब मैं 13 में क्लाइंब कर रही थी तो खम्बू आइस फॉल आपने अगर जानकार रही हो तो 2016 में बहुत सारे शेरपा खम्बू आइस फॉल में मारे गए थे। खम्बू आइस फॉल एक पॉपकॉर्न की तरह है, बोल्डर एक दूसरे के ऊपर जचा हुआ है आइस का, उसके नीचे ऊपर से हमें निकलना होता है। कोई भी बोल्डर कभी भी फिसल सकता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। वो बोल्डर अगर फिसल गया तो हमारी क्या औकात है, हम तो एक कीड़ी की तरह है, तो उसके दबके नीचे मर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा टफ है। और अगर आइस क्लाइंबिंग की बात करें और टेम्परेचर की बात करें, ऊपर इतनी बड़ी माउंटेन एवरेस्ट है, वो 8000 से ऊपर डेथ जोन आ जाता है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, कैरावास है, तूफान है, तो बहुत सारी परेशानियां हैं। बात करूं मैं चाइना साइड की, चाइना साइड बहुत ज्यादा हवा चलती है, और जब हम सम्मिट करते हैं तो सम्मिट बहुत रॉकी है। रॉकी का मतलब सम्मिट में हवा इतनी चलती कि वहां बर्फ ठहर नहीं सकती, और बहुत रोक में हमें चलना पड़ता है। जब क्रैम्पोन लगा के क्रैम्पोन आइस के लिए होता है जो शूज के नीचे लगता है, लेकिन जब रोक पे चलते हैं तो रोक पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने का भय होता है, और उसकी वजह से बहुत सारी डेथें होती हैं। 2015 के अंदर जब मैं चाइना साइड से क्लाइंब कर रही थी, जो मैंने 13 में क्लाइंब किया उसके बाद मैंने 15 में चाइना साइड से क्लाइंब करने का प्रयास किया, तो मैं 26 दिन का मेरा अभियान बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 26 अप्रैल को एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिसमें मेरे उस भूकंप में मेरे बहुत सारे साथी मारे गए, बहुत सारे साथियों को इंजरी हुई, और इतनी बड़ी त्रासदी थी, आपने भी देखा होगा पूरा नेपाल उस त्रासदी ने हिला दिया था। तब मैं 22,500 फीट पे क्लाइंब कर रही थी। अच्छा। तो जब मैं वहां पर कैंप में थी तो कुछ देर के लिए मेरी आदत है, मैं रुकती नहीं, चाहे रेस्ट डे भी हो मैं थोड़ा बहुत ट्रैकिंग करती हूँ, क्योंकि माउंटेन में जब तक आप हिलो डिलोगे नहीं तो आपकी ऑक्सीजन है नहीं, तो वहां पर आपका खाना डाइजेशन नहीं करेगा, आप बीमार हो जाओगे। तो मैं कुछ दूर गई हुई थी, शायद मैं लकी थी कि मेरे बाकी साथी इस दुनिया में नहीं रहे, और मैं लकी थी क्योंकि मैं कैंप से दूर थी, मैं बच पाई। लेकिन उस टाइम पे एक बहुत ही ऐसी स्टोरी हुई मैम, मैं जो एक मिनट में आपको बताना चाहती हूँ, कि जैसे ही मैं कैंप में पहुंची तो देखा चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी है या किसी को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है। 2-3 दिन तक ऐसे रहा, हम नीचे बेस कैंप में पहुंचे, और बेस कैंप में तब मैं पहुंची तो मैंने मेरे साथ जो डॉक्टर साथी थे, हमारी मीटिंग हुई, वो आगे ऑफिसर थे, मैंने उनके सामने रखा कि मैं अब भी क्लाइंब करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहती है, उन्होंने कहा कि आपको हाई अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस हो गया है। वो होता है हाई अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाया गया कि इसको मुझे लगता कि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा और ये मेंटल स्थिति इसकी अच्छी नहीं है, तो इसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए। तो मैं गई, मेरा मेंटल ट्रीटमेंट किया गया, कह रहे कि ये तो बहुत नॉर्मल है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो मेरा एक ही जवाब था कि मैं हिंदुस्तान के उन साथियों के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए एक ही बात, मेरा एक ही मैसेज पहुंचा देना, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा एक मैसेज पहुंचा देना कि जब तक इंसान कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी चुनौतियां हो आपकी जिंदगी में, तब तक फाइट करते रहना चाहिए, जब तक आप अंतिम सांस तक आप लड़ते रहिए। मेरा ये मैसेज है, ये मेरे देशवासियों को पहुंचा देना चाहिए।
सभी जितने भी लीडर थे, जितने भी वहां पर डॉक्टर थे, सभी ने सल्यूट किया और सभी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान की बेटियां इतनी मजबूत हो सकती हैं तो बेटे कितने मजबूत हो गए। वो मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल थे मैम। फैंटास्टिक। लेकिन एक अंत में ये बात बताइए कि आप बाकी जो सारी औरतें हैं जो अपना सपना हमेशा नहीं जी पाती, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं ये कहूंगी औरत को कि सबसे पहले तो हमने खुद ने संभलना होगा, सबसे पहले हमें खुद ने मजबूत होना होगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम कहीं ना कहीं, अच्छी बात है हमारे अंदर एक दया भावना है, एक वात्सल्य की मूर्ति है हम, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर जो अत्याचार होते हैं हम उनको इतने सहन करना भी एक अपराध है। आप उतना ही सहन कीजिए जितना आप घर, आपके घर के लिए बेनिफिट है, आपके बच्चों के लिए बेनिफिट है, लेकिन इतना भी ना सहन कीजिए कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाए। आप मजबूत बनिए, आप अपनी काबिलियत को संभालिए। मैं तो कहूंगी कि बिल्कुल ही अत्याचार ना सहन करिए, बिल्कुल ना करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कहती हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके ऊपर, चाहे भाई है, पिता है, चाहे पति है, अगर वो आपको मार रहा है तो वहां पर हमें सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन हम इस चीज से फाइट कर लेंगे तो उस दिन पुरुष को समझ में आ जाएगा कि मैं रॉन्ग हूँ। और जब तक हम उसको पति देव के माध्यम से या एक भाई हमें पुरुषों का सम्मान करना चाहिए, इस तरीके से हम सहन करते जाएंगे तो ये हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो मैं यही कहूंगी कि अपनी मजबूती को पहचानिए। जब हम सुबह से लेकर शाम तक, रात 12 बजे तक पूरी फैमिली सो जाती है, तब तक हम काम कर सकते हैं। जब एक महिला बच्चा पैदा कर सकती है, अपने शरीर से शरीर पैदा कर सकती है, तो वो कहां से कमजोर हो सकती है? मैं कहती हूँ महिला से मजबूत कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया बोले। सिर्फ एक सवाल मेरा बचा है कि जिन लोगों ने, गांव के लोगों ने आपको ताने मारे थे जब आप बच्ची थी, आज वो क्या कहते हैं? मैम, उन लोगों ने 2013 में जब मेरी पहली उपलब्धि आई, वही लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए और मेरा फूलों के साथ उन्होंने स्वागत किया। और आज मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत अलग सा माहौल है। 2017 में जो मेरा चाइना साइड से अभियान जो 15 में असफल हो गया था, 2017 में मेरे गेम पे बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, तब तक मेरे पास स्पॉन्सर नहीं था। 2017 में उन्हीं लोगों ने पैसे इकट्ठे करके वही अभियान उन्होंने मेरा सफल बनवाया। वो लोग आज मेरी तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि अनीता बेटी जैसी हजारों बेटी हो। और मेरे क्षेत्र में इतना बदलाव आया है कि वहां पर सूट पहन के भी लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, आज मेरे क्षेत्र के अंदर शॉर्ट निक्कर में लड़कियां प्रैक्टिस मारती। कभी मेरे गांव का विजिट करेंगे तो वहां पर आपको कबड्डी में प्रैक्टिस करती मिलेगी लड़कियां। मैं जरूर आऊंगी। एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग अ रोल मॉडल। आप रोल मॉडल हैं बहुत सी लड़कियों के लिए। और मैम, मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगी, जो ये अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है, इसमें सबसे बड़ी मैं आपको बता देती हूँ कामयाबी से क्या हो सकता है। एक पिता मैंने बचपन में खोया और एक पिता मैंने अभी स्ट्रगल करते हुए मिला। आर के सिन्हा जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं बिहार से, SIS कंपनी के फाउंडर हैं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, उनके स्कूल में मैं एज ए स्पीकर पहुंची, उन्होंने मेरी स्पीच सुनी और मेरे नीचे उतरते ही एक थप्पड़ मारा और कह रहा कि आज के बाद अनीता बेटा आपके पिता मैं हूँ। जितने भी मैंने सेवन समिट के अभियान किए हैं, जितना भी 2.5-3 करोड़ रुपया लगा है, सारा उस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। आज जो तेंजिंग नोर्गे अवार्ड मुझे मिलने जा रहा है, जो सम्मान मिलने जा रहा है, वो मेरे बाबूजी की बदौलत मिलने जा रहा है, जो मुझे इतना प्यार स्नेह देते हैं। जिस भी अभियान पे मैं जाती हूँ तो उनकी आंखों में आंसू होता है, और जब मैं आती हूँ वापिस लौट के तो उसके उनके खुशी से उनकी आंखें भीगी होती है कि मेरी बेटी सुरक्षित आ गई है। तो मैं सैल्यूट करती हूँ उस पिता को। वंडरफुल, थैंक यू। एंड अनीता, बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।